आप वहीं पे रहना है, एक मैं रजत रावत मुसाफिर हिमालयन हाइकर से। तो कोरोना काल के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कई लोग यहाँ पे पर्यटक आ रहे हैं, काफ़ी मात्रा में या घूमने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और इस बर्फ़बारी से जो है ये इस सीज़न का दूसरा या तीसरा आपका बर्फ़बारी है। और इस सीज़न में आप देख रहे हैं कि काफ़ी बर्फ़ वगैरह यहाँ पर गिर रही है और पर्यटकों को खूब मज़ा आ रहा है यहाँ पर। और काफ़ी लोगों को इससे राहत भी मिली है कि चलो फसल के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और उसके बाद जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, काफ़ी पर्यटक नीचे से आ रहे हैं, देहरादून से, काफ़ी अलग अलग जगह से, महाराष्ट्र पुणे से, बर्फ़ का लुत्फ़ उठाने के लिए। जनपद अंतर्गत जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है जहाँ पर बर्फबारी के कारण रोड में फिसलन रहती है पाला गिरने से और बर्फबारी से, उन स्थानों पर संबंधित विभाग को बीआरओ और इसी साथ एनएच और अन्य जो आंतरिक मार्ग हैं उनमें संबंधित रोड एजेंसी को निर्देश दिए गए हैं कि वो उक्त स्थानों पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करें, जैसे चूना डालना और जेसीबी मशीन डिप्लॉय करना। तो ऐसे स्थानों पर विशेष एहतियात बरते हुए लोगों से भी अपील की जाती है कि ऐसे मौसम में अवॉइड करें, और रोड डिपार्टमेंट को कहा गया कि वो अपने मार्ग को सुचारू बनने के लिए सुलभ रखें।